नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार ऋषिकेश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, वह उससे बने कई प्रोडक्ट हम होते हैं। उस केमिकल का कॉमन नेम है पाइन ऑयल, और पाइन ऑयल के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताने का हमने प्रयास किया है। उसे दो पार्ट्स में बनाया है, पार्ट वन पार्ट टू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट वन। पार्ट वन में हम देखने वाले हैं पाइन ऑयल क्या होता है, पाइन ऑयल कैसे बनता है, पाइन ऑयल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पाइन ऑयल का प्यूरिटी कैसा कितना होता है और वह किस पर निर्भर होता है, पाइन ऑयल मार्केट में कितने परसेंट में या प्यूरिटी में अवेलेबल होता है, पाइन ऑयल बनाने का प्रोसेस क्या है, ये पार्ट वन में बताएंगे। और जो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट वन। पार्ट वन का हमारा जो कि एसेंशियल पाइन ऑयल के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है कि पाइन ऑयल का केमिकल नाम क्या है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। उसका अल्टरनेट नाम है एसेंशियल ऑयल ऑफ पाइन ऑयल और यरमोर। पाइन ऑयल क्या है, सबसे पहला सवाल। पाइन ऑयल एक असेंशियल ऑयल है जो अलग अलग प्रजातियों के पाइन के पेड़ों की पत्तियां, टहनियां, खाल या जड़ का स्टीम डिस्टिलेशन करके जो हमें ऑयल मिलता है उसे हम पाइन ऑयल कहते हैं। अब आगे आने वाले स्लाइड में मैं बताऊंगा स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या है। आप अगर नए हो तो आप सिर्फ जुड़े रहिए, आपको ये धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब पाइन ऑयल का मुख्य घटक जो है वो अल्फा टर्पिनियोल है, अदर साइक्लिक अल्कोहल, टर्पाइन हाइड्रोकार्बन, ईस्टर इथर और कम मात्रा में इसमें फिनॉल डेरिवेटिव होता है। अब इसके बाद जो आता है पाइन ऑयल का हमारा जो है वो पाइन ऑयल के थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ कि पाइन ऑयल का अपीयरेंस कैसा होता है। पाइन ऑयल कलरलेस टू येलो कलर होता है। फिजिकल स्टेट में ये लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। गैस नंबर यानी दुनिया भर में ये किस नंबर से जाना जाता है उसके लिए केमिकल एक्सट्रैक्ट नंबर 8002-9-3। इसी नंबर जब यूरोपियन कंट्रीज में हमें इसे मंगवाना या बेचना होता है तो उसका नंबर 692-006-0। इसका केमिकल स्ट्रक्चर हम स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते। हमने पहले स्लाइड में देखा है कि ये अल्फा टर्पिनियोल, टर्पाइन हाइड्रोकार्बन, ईथर, ईस्टर और कम मात्रा में फिनॉल डेरिवेटिव है, इसीलिए इसका स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब आता है इसका नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट जो है 195 डिग्री सेल्सियस। सोलिबिलिटी जो है ये वाटर सोल्यूबल, हमेशा याद रखें कि पाइन ऑयल कभी भी आपका वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट सबसे पहले बेंजीन में डिजॉल्व होता है, सेकंड ये क्लोरोफॉर्म में हो सकता है, ईथर में होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में होता है और ज़्यादा करके इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल से सोलिबिलिटी इसका सेलेक्ट करते हैं इजीली अवेलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव के लिए। उसके बाद होता है कि पाइन ऑयल का प्यूरिटी कैसा निर्धारित किया जाता है, उसका सवाल हमारा था कि पाइन ऑयल प्यूरिटी कैसा निश्चय, उसमें कितना परसेंट साइक्लिक अल्कोहल है और अदर केमिकल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उस पर से पाइन ऑयल का एक्टिव परसेंटेज या प्यूरिटी डिसाइड होता है। तो देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट अवेलेबल में ये 18%, 20%, 22%, 25%, 28%, 32%, 42%, 50%, 60%, 70%, 85%, 90% ये अवेलेबल होता है, बड़ी वाइड रेंज में अवेलेबल होता है। अब ये परसेंटेज क्या होता है, अल्फा टर्पिनियोल और साइक्लिक अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है, उस पर से पाइन ऑयल का परसेंटेज डिसाइड होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको मार्केट में बनाने के मेथड कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहला होता है स्टीम डिस्टिलेशन, सॉक्सलेक्स एक्सट्रैक्शन
फॉलोड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रेक्टिफिकेशन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद का मेथड है मैक्रिएशन एक्सप्रेशन टू टेक्निक लाइक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। उसके बाद का टेक्निक है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट फ्री माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन मेथड। उसके बाद का सबसे लास्ट वाला मेथड है माइक्रोवेव हाइड्रो डिफ्यूजन एंड ग्रेविटी मेथड। अब ये नाइन मेथड्स जो मैंने बताए हैं ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मोस्टली जो मार्केट में यूज किया जाता है उसमें से सिंपल मेथड जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि सिंपल प्रोसेस क्या होता है इसका, ये स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में पानी लिया जाता है, उसको एक ट्यूबिंग कनेक्ट किया जाता है और एक दूसरा टू नेक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और इसमें हमारा पाइन ऑयल की निडल्स हो, पत्तियां हो या जड़ हो या खाल हो, उसको क्रश करके डाला जाता है। फिर यहाँ से स्टीम जनरेट होता है, यहाँ जब बॉईल करते हैं तो यहाँ से स्टीम जनरेट होता है, पानी को गर्म करें स्टीम जो है वो स्टीम यहाँ आएगा, यहाँ पर इसको गर्म करेगा और इसमें से जो भी इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट है वो निकलेगा, वो भी स्टीम फॉर्म में निकलेगा, वो स्टीम यहाँ पर आएगा। जो ये स्टीम है यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसको यहाँ से पानी पास हो रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये जो यहाँ पर स्टीम है वो ठंडा होकर वो स्टीम यहाँ पर पूरा जमा हो रहा है और ये यहाँ पर उसका मिक्सचर मिलेगा आपको ये राउंड बॉटम फ्लास्क में। यही कमर्शियली बड़ा टेक्निक किया जाता है, बड़े राउंड बॉटम फ्लास्क होता है या फिर आपका ये बड़े मेथड में ये किया जाता है। यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्शन वाटर और उसी के साथ ऑयल होता है। अब इसी को सेपरेशन किया जाता है सेपरेशन टेक्निक से। अब यही टेक्निक मैं आपको फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ आने वाली स्लाइड में। तो देखिए सबसे पहले जो है उसमें ये पाइन नीडल्स लिया, पाइन नीडल का स्टीम डिस्टिलेशन किया, जो मिक्सचर मिला राउंड बॉटम फ्लास्क में उसे जो सॉल्वेंट उसमें सॉल्वेंट यूज़ किया, उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक ज़ाइलिन लिया, फिर उसमें से पानी अलग किया, ऑर्गेनिक लेयर अलग किया और जो ऑर्गेनिक लेयर है उसी में पाइन ऑयल हमारा आ चुका है, उसे हमें प्योर पाइन ऑयल मिलने के लिए हम क्या करते हैं उसमें सबसे पहले उसमें मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट डालते हैं, कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए रखने के बाद में वाटर उसमें से जो भी है इवोपरेशन हो जाएगा और हमें प्योर पाइन ऑयल मिलेगा। देखिए वो इस कलर का होगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मार्केट में जो है ये कौन से पैकिंग में अवेलेबल होता है। ये देखिए ये मार्केट में जो अवेलेबल होता है ये HDPE ड्रम में होता है, इसका पैकिंग जो ये 200 लीटर या 210 लीटर में होता है। नेक्स्ट आता है MS ड्रम आएगा, MS ड्रम जो है वो 200 और 210 लीटर की पैकिंग में आएगा या फिर ब्लू कलर MS ड्रम में आएगा। हमेशा याद रखिए पाइन ऑयल ये आपको बड़ी पैकिंग में ही मिलता है, 50 लीटर 35 लीटर पैकिंग में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन हमारा था पूरा पार्ट वन के रिलेटेड और अब हम जो स्टार्ट ज़्यादा ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गए बहुत से कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर इसमें से कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ क्वेश्चन हो दिमाग में आपके तो ज़रूर पूछें, मैं प्रयत्न करूँगा उसका जवाब देने का। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे पाइन ऑयल का इस्तेमाल हम फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने में कैसा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।